राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अजीत पवार के नेतृत्व में हुई बगावत के बाद से सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। अजीत पवार पार्टी चीफ शरद पवार को लगातार झटके दे रहे हैं। पहले पटना में विपक्षी एकता की बैठक से लौटने के बाद अजीत पवार ने महाराष्ट्र में एनसीपी में बगावत करके पार्टी पर कब्जे का दावा कर दिया और अब जब पवार बेंगलुरु एकता बैठक से लौटे तो नागालैंड में खेल हो गया। नागालैंड में एनसीपी के सभी 7 विधायक अजीत पवार के गुट में शामिल हो गए। नागालैंड एनसीपी के हवाले से कहा गया कि पूरे राज्य कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों के साथ चर्चा के बाद नागालैंड में एनसीपी ने अजीत और प्रफुल्ल के नेतृत्व वाले गुट को मजबूत करने का निर्णय लिया है। पूर्वोत्तर राज्य के 7 एनसीपी विधायकों ने एक बयान में कहा कि नागालैंड एनसीपी कार्यालय में सभी पार्टी कार्यकर्ता भी अजीत पवार का समर्थन करेंगे। 2 जुलाई को अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी के कई विधायकों ने पार्टी से बगावत कर दी थी। चौंकाने वाले कदम के तहत अजीत पवार समेत 9 विधायक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी के गठबंधन सरकार में शामिल हो गए। महाराष्ट्र सरकार में अजीत पवार को डिप्टी सीएम के साथ वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ सरकार में मंत्री के तौर पर शामिल होने वाले छगन भुजबल को अन्न नागरिक आपूर्ति, दिलीप वलसे पाटिल को सहकारी मंत्री और हसन मुशरिफ को वैद्यकीय शिक्षण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा धर्मराव बाबा अत्राम को अन्न एवं औषधीय प्रशासन, अदिति तटकरे को महिला एवं बाल विकास, संजय बनसोड़े को खेल एवं युवा मंत्रालय विभाग सौंपा गया है। साथ ही धनंजय मुंडे को कृषि मंत्रालय और अनिल पाटिल को मदद पुनर्वसन के साथ आपदा व्यवस्थापन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। उस कदम ने शरद पवार की बनी बनाई एनसीपी को दोफाड़ कर दिया। पिछले कुछ दिनों में एनसीपी प्रमुख के साथ अजीत पवार ने 2 बार मुलाकात की थी। उप मुख्यमंत्री और उनके खेमे के कुछ मंत्रियों ने YB चौहान सेंटर में शरद से मुलाकात की और अजीत पवार खेमे ने कहा कि मौजूदा स्थिति में शरद पवार का आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहते हैं, लेकिन शरद पवार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। जयंत पाटिल ने कहा कि जिन लोगों ने अलग रास्ता अपनाया वे आज शरद पवार से मिलने आए और उनसे मौजूदा स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता सुझाने का अनुरोध किया गया। पाटिल ने कहा कि अजीत पवार ने शरद पवार से समाधान निकालने और कोई रास्ता चुनने को कहा। बैठक के बारे में पाटिल ने कहा कि एनसीपी के मंत्रियों और कुछ विधायकों ने शरद पवार से मुलाकात की। पाटिल ने शरद पवार के हवाले से कहा कि शरद पवार ने उन्हें बताया, एनसीपी नेता जनता के बीच गए थे और अपनी बात साफ करते हुए व्यक्त किया था। उन्होंने उनसे पूछा कि ऐसी स्थिति में कोई रास्ता कैसे निकाला जा सकता है। ये पूछे जाने पर कि शरद पवार सार्वजनिक रूप से सामने आकर अपना रुख स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, पाटिल ने कहा कि पवार ने पिछले सप्ताह नासिक जिले में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया था जहां उन्होंने अपना रुख स्पष्ट किया था। उनसे ये उम्मीद करने का कोई मतलब नहीं कि वे लोगों के सामने आएंगे और अपना पक्ष रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।